जय माता दी बस पर 92 बोतल शराब के साथ 3 यात्री गिरफ्तार। NH-57 पथ पर चेकिंग के दौरान शराब व 13,000 जब्त। सिमरी थाना के पुलिस ने NH-57 पथ के जय माता दी बस पर सवार यात्री के पास से 92 बोतल विदेशी शराब व 5,700 रुपए नकद बरामद कर 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में सत्यापन किया तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रही जय माता दी बस BR06PD3251 पर सवार 2 यात्री बैग व कार्टन में अवैध शराब लेकर उक्त बस से उतरकर भागने लगे। पुलिस पार्टी के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया। दोनों की पहचान वैशाली के निवासी चौक राकेश कुमार के पुत्र सन्नी कुमार तथा कुंदन यादव के पुत्र राहुल यादव के रूप में की गई है। विधिवत तलाशी क्रम में सन्नी कुमार के कंधे पर लटकाए गए बैग से विस्की 750 ml का कुल 23 बोतल व 12,400 रुपए व राहुल के बैग से 375 ml का 24 बोतल व 180 ml का 45 बोतल जब्त किया गया। सभी शराब की बोतल पर रांची झारखंड अंकित पाया गया है। इस बीच बस की तलाशी पर अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। बस चालक व स्टाफ ने बताया कि बस पटना से मधुबनी जा रही थी। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी हाजीपुर में सवार होकर दरभंगा दिल्ली मोड़ के लिए चले थे। इस दिल्ली मोड़ पर अवैध शराब की डिलीवरी लेने आए व्यक्ति दरभंगा विश्वविद्यालय थाना के सुंदरपुर बेला निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी मेहता के पुत्र प्रमोद मेहता को दबोचा गया। प्रमोद की विधिवत तलाशी लेने पर 2 मोबाइल व 8,700 रुपए जब्त किया गया। प्रमोद शराब के कई मामले में जेल जा चुका है। सहायक दरोगा मोहम्मद मोबीन ने गिरफ्तार तीनों शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।